बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप, मैं एकदम ठीक हूँ। बेटा तेरी रिसर्च कैसी चल रही है, मजा तो आ रहा ना तुझे? हाँ पापा, फाइन आर्ट्स की रिसर्च के लिए मेरे लिए खुर्जा से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती थी। यहाँ के स्कल्पचर्स, यहाँ का कल्चर, मैं इतनी खुश हूँ पापा यहाँ पर। इस जगह की जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है। गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बता बेटा, तू यहाँ कब आ रही? हाँ दीदी, अब आ भी जाओ ना, हम आपको बहुत मिस करते हैं। हाँ मंजू, मैं अगले ही हफ्ते मथुरा आ रही हूँ, तब तक तो थोड़ा मुझे और मिस कर ले। और सुन, मैंने तेरे लिए चाइना क्ले की एक बहुत सुंदर पॉटरी ली है। तुझे पता है पूरे मार्केट में सिर्फ एक शॉप पर एक ही पीस अवेलेबल था, और वो मैंने तेरे लिए लिया है। थैंक यू दीदी। बेटा ये मंजू तो दिन रात तेरी रट लगाए रहती है। अच्छा बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, गेस्ट हाउस समय पर पहुंच जाना तू। जी पापा, मैंने कहा ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मेरी, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ, अब मैं कल कॉल करूंगी। ठीक है बेटा, बाय पापा। बाय बेटा। नमस्कार, मैं पूजा गौर, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। बेहतर भविष्य और अच्छे करियर की खातिर स्टूडेंट्स अक्सर अपने घर से दूर दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करते हैं। जाहिर है कि ऐसे में माँ बाप का अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होना लाजमी है, लेकिन ये फिक्र तब और बढ़ जाती है जब घर की बेटी दूसरे शहर जाकर पढ़ाई कर रही हो। मथुरा की छात्रा सांची गुप्ता भी अपने घर से दूर उत्तर प्रदेश के शहर खुर्जा में आर्ट्स की पढ़ाई कर रही थी। खुर्जा जो अपनी खूबसूरत सिरामिक पॉटरीज के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इसी शहर में पढ़ने आई सांची को एक दिन किडनैप कर लिया गया। ये कोई आम किडनैपिंग नहीं थी, क्योंकि सांची की किडनैपिंग से शुरू हुए इस केस के रहस्य पर से जब पर्दा उठा तो पब्लिक, पुलिस और प्रशासन तक सब सबके होश उड़ गए। हेलो भाई साहब, सांची अभी तक घर नहीं आई। क्या? मैंने उसका फोन भी मिलाया पर उसका स्विच ऑफ जा रहा है। घर नहीं पहुंची मतलब? शाम को तो उससे मेरी बात हुई है, उसने कहा था कुछ ही देर में वो गेस्ट हाउस पहुंचने वाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं आई अभी तक। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। मैं देखता हूँ। क्या हो रहा है, फोन भी नहीं लग रहा है। पापा? क्या बात है? बेटा सांची के गेस्ट हाउस से नलिनी जी का फोन आया था, सांची अभी तक गेस्ट हाउस नहीं पहुंची है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पर कल शाम को ही तो बात हुई थी दीदी से। खुर्जा जाना होगा बेटा। जल्दी चलाओ भैया। क्या हुआ उसे? नहीं लग रहा है पापा। हाँ यहीं रोकना भैया, यहीं रोकना। आओ बेटा। चलो बेटा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, रोज शाम को 6-7 बजे तक आ जाया करती थी। उसकी सहेलियों से भी पता किया लेकिन सबने ये कहा कि वो अपनी क्लास से यहाँ आने के लिए निकली थी, जाने कहाँ चली गई। हाँ अंकल, मामा ने कहा तो मैंने सांची को ढूंढने की कोशिश भी की लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। सब कुछ ठीक ठाक था ना उसके साथ? मेरा मतलब सांची को कोई परेशानी तो नहीं थी? एकदम हंसमुख बच्ची थी, अपनी रिसर्च को लेकर भी काफी खुश थी वो, और उसके यहाँ रहने से हम सबको भी बहुत मन लगता था।
हाँ अंकल, ना ही किसी से कोई लड़ाई, ना ही कोई झगड़ा, न जाने क्या हुआ। पापा। हाँ? दीदी ठीक तो होगी ना? हाँ बेटा, ठीक होगी। तो आप मथुरा के रहने वाले हैं? जी। और आपकी बेटी? जी, खुर्जा में पॉटरी पर रिसर्च कर रही है वो। आपके मुताबिक आपकी बेटी कल से लापता है? जी। आपने अपने सभी रिश्तेदारों को फोन किया, कुछ पता नहीं चला? जी। उसके दोस्तों यारों को फोन किया आपने? जी, सबसे पता किया, कुछ पता नहीं चला। कल शाम को 6 बजे के आसपास मेरी उससे बातचीत भी हुई थी। उसने कहा था कि वो गेस्ट हाउस पहुंचने वाली है, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। रूटीन के मुताबिक तो 6-7 बजे के आसपास गेस्ट हाउस पहुंच जाती है वो। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। देखिए कैलाश बाबू, ये किडनैपिंग का केस नहीं है। अगर किडनैपिंग का केस होता तो अब तक आपको फिरौती का कॉल आ गया होता। ऐसा कोई कॉल आया आपको? जी नहीं, ऐसा तो कोई कॉल नहीं आया। उसका कोई खास दोस्त था? मेरे कहने का मतलब है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं था। जी नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो दीदी सबसे पहले मुझे ही बताती। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं मिसिंग की एक एनसी लिख लेता हूँ। एक बात बताइए, आपके पास उसकी कोई लेटेस्ट फोटोग्राफ है? जी जी। बेटा फोटो दे। ये लीजिए। ये लीजिए। आपने बताया था आपकी बेटी से आपकी बात आखिरी बार 6 बजे हुई थी? जी। शर्मा, लास्ट कॉल की लोकेशन ट्रैक करो, इस फोटोग्राफ्स को सभी पुलिस स्टेशन भेज दो। राइट सर। देखिए कैलाश बाबू, आप चिंता ना करें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की, और आपको यकीन दिलाते हैं आपकी बेटी जल्द से जल्द आपके पास होगी। ठीक है? जी, धन्यवाद। पापा। हाँ बेटा। कहीं दीदी को कुछ? कुछ नहीं होगा बेटा दीदी को, दीदी बहुत जल्दी मिल जाएगी। और फिर इंस्पेक्टर साहब ने भी तो यही कहा है कि सब ठीक होगा। तुम देखना, सांची बहुत जल्दी हमारे साथ होगी। हाँ? अक्सर ज्यादातर किडनैपिंग फिरौती से जुड़ी होती है। जान के बदले में मोटी रकम की मांग करने वाले अपहरणकर्ता रैंसम कॉल के जरिए परिवार वालों का संपर्क साधते हैं और मोटी रकम की मांग करते हैं। इसके अलावा किडनैपिंग की दूसरी बड़ी वजह होती है दुश्मन। बदले की भावना से किया गया ऐसा किडनैपिंग बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि ऐसे केसेस में किडनैपर पैसों से ज्यादा रंजिश को तरजीह देता है। पर सांची के परिवार को ऐसा कोई कॉल नहीं आया था, और यही इस केस की सबसे बड़ी पेचीदगी थी कि ना तो इस किडनैपिंग की कोई वजह साफ थी और ना ही इस किडनैपिंग से जुड़ा कोई भी सुराग पुलिस के हाथ लगा था। और अगर ये फिरौती का मामला नहीं था तो सांची की जान खतरे में थी। हर गुजरते वक्त के साथ सांची पर मंडराता खतरा बढ़ता जा रहा था, लिहाजा खुर्जा पुलिस ने अपनी तफ्तीश और तेज कर दी। सर ये देखिए, इसका प्रिंट आउट देना। जी सर। सर सांची के फोन से आखिरी बार कॉल किस जगह से हुई थी उस जगह का पता चल गया है सर। चलो। सर ये मोबाइल। ये तो मेरी बेटी का मोबाइल है। ढूंढो इसका सिम, यहीं कहीं होगा। पास में। राइट सर। ओके। सर ये सिम कार्ड मिला। एक काम करो। यस सर। इसके सारे कॉल रिकॉर्ड चेक करो। ओके। राइट सर। सारी एविडेंस को देखते हुए लगता है कैलाश बाबू आपकी बेटी को अगवा किया गया है। अगवा किया है?
भला मेरी बेटी के साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? यही तो हम जानना चाहते हैं। लेकिन जिसने भी किया है उसने आपकी बेटी पर काफी दिनों से नजर रखी है। ये हादसा जो हुआ है उसके गेस्ट हाउस के पास में हुआ है। एक बात बताइए, आपकी बेटी रिसर्च सेंटर से गेस्ट हाउस तक कैसे जाती थी? देखिए, रिसर्च सेंटर पास ही में है इसलिए अधिकतर वो पैदल आया जाया करती थी, लेकिन कभी कभार रिक्शा ले लिया करती थी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं कहाँ होगी और किस हाल में होगी वो। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। दयाल। यस सर। आसपास जितने भी रिक्शा वाले हैं ना, सबसे पूछताछ कर, कोई भी क्लू मिलता है तुरंत मुझे बता। यस सर। गो। ये दीदी मेरे लिए लाई थी। अर्जुन, मैंने तेरे लिए चाइना क्ले की एक बहुत सुंदर पॉटरी ली है। हाँ बेटा, पर तू फिकर मत कर, मिल जाएगी दीदी, मिल जाएगी। पुलिस ने साची के लापता होने के बारे में इलाके के सभी रिक्शा वालों से पूछताछ की। इंस्पेक्टर साहब, आप तो ऐसे पूछताछ कर रहे हैं जैसे हमने ही छुपा के रखा है लड़की को कहीं। इस तरह बार बार पूछने से सच बदल ना जाएगा? जितना आपसे पूछा जाए मैडम, सिर्फ उतना ही जवाब दीजिए। उतना ही जवाब मैंने भी दिया और इन लड़कियों ने भी दिया। खामखा परेशान कर रहे हैं आप हमें। कितनी लड़कियां आई और चली गई, आज तक ऐसा कभी ना हुआ। और कैलाश जी से भी पूछ लो, क्या साची ने कभी हमारी किसी भी तरह की उनसे कोई शिकायत की? देखिए, कोऑपरेट कीजिए मैडम, प्लीज कोऑपरेट। आप में से साची के बारे में किसी को कुछ भी मालूम है प्लीज इन्फॉर्म कीजिए, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन को मदद करेगा। एक ही रूटीन था उसका, सुबह 10 बजे जाती थी और शाम को 6 या 7 बजे तक वापस आ जाती थी। आप कौन है? मैं आशीष और ये मेरी मामा। क्या करते हो तुम? मैं जॉब करता हूँ और साथ में मामा की गेस्ट हाउस में कुछ हेल्प भी कर देता हूँ। साची की किसी के साथ अनबन थी? नहीं, साची की किसी के साथ कोई अनबन नहीं थी, सबसे घुल मिल कर रहती थी वो। और हम सबको भी कभी कोई ऐसी बात नजर नहीं आई, हम सबको बहुत चिंता है उसकी। यहाँ तो कुछ नहीं मिला सर। कैलाश बाबू, मैं आपकी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन याद रखिए कि हर जुर्म कहीं ना कहीं एक सबूत छोड़कर जाता है। वो सबूत मेरी नजरों से देर तक दूर नहीं रहेगा, आपसे वादा करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। सर, इस फोन पे लास्ट सिग्नल 5:50 का है, इसके बाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। क्योंकि उसके बाद उस फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। साची के फोन रिकॉर्ड से क्या पता लगा? सर, साची के फोन रिकॉर्ड से साफ पता चल रहा है कि वो अपने घर वालों से ज्यादा बात करती थी। सर, आसपास के सारे रिक्शे वाले और लोकल लोगों से हमने बातचीत की, लेकिन सर किसी को कुछ नहीं पता इस लड़की के लापता होने के बारे में। जी कैलाश बाबू, नहीं आप चिंता ना करें, हम कोशिश करेंगे। जी ठीक है, जब पूछो जब एक ही जवाब, तलाश जारी है, हिम्मत रखिए, अब तक मेरी बेटी नहीं मिली है। और कहते हैं हिम्मत रखिए, अरे कहां से लाऊं मैं और हिम्मत, कहां से? अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? क्या करूं बेटा। Oh, my God.
सांची तक पहुंचने के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक ना तो कोई ठोस सबूत उनके हाथ लगा था और ना ही कोई चश्मदीद। तहकीकात के लिहाज से पुलिस के आगे सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनके शक के दायरे में भी कोई नहीं था। सर, इस केस में ना तो किसी लड़के का चक्कर है, ना ही किसी फरौती का, तो सर आखिर ये माजरा है क्या? जब ऐसी नौबत आ जाए ना दयाल, तो हमें एक बार फिर से शुरुआत से ही शुरू करना पड़ता है। दयाल, मेरा शक बिल्कुल सही निकला, हमें एक बार फिर से शुरुआत से ही शुरू करना पड़ेगा। मौका वारदात पर चाइनीज क्ले मिले हैं जो जमीन और वहां की मिट्टी से बिल्कुल मैच नहीं खाते। ऐसे क्ले का निशान टूटे हुए मोबाइल पर भी पाया गया है। फॉरेंसिक एनालिसिस से पता लगा है कि ये क्ले प्रोसेस्ड है और उस पे कोबाल्ट का इस्तेमाल किया गया है। सर, इसका मतलब इस केस के तार किसी शिल्पकार या मूर्तिकार से जुड़े हैं? मुमकिन है दयाल, मुमकिन है। सांची एक फाइन आर्ट की स्टूडेंट थी, शिल्पकारी और पॉल्ट्री से उसको बेहद लगाव था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉल्ट्री मार्केट जो है वो घटनास्थल से बिल्कुल पास में है। सर, ये चाइनीज क्ले शहर के हर गली कूचे में इस्तेमाल होता है, और फिर सर हमें सांची के घर से कोई बिल भी बरामद नहीं हुआ है, तो फिर सर हम उस शख्स तक पहुंचेंगे कैसे? ये कोई मामूली क्ले नहीं है दयाल, इसमें कोबाल्ट है जिसे इम्पोर्ट किया जाता है और उसका इस्तेमाल चुने हुए कारीगर करते हैं, जिसका हमें पता करना है। दयाल, हमें लगता है कि हम इस केस को बहुत जल्द क्रैक कर लेंगे। सर, ये वही 5 दुकान है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, जहां ये कोबाल्ट वाली क्ले का इस्तेमाल होता है। इस फोटो को ध्यान से देखो, कभी तो आई होगी ये लड़की यहाँ पर? नहीं साहब, नहीं देखा इसे हमने। पर साहब, आखिर हुआ क्या है? इसे अगवा किया गया है। देखिए भाई साहब, मेरी बेटी फाइन आर्ट्स मतलब पोट्री में रिसर्च कर रही थी, उसे नई शिल्पकारी अच्छी लगती थी। जी लगती होगी, जरूर लगती होगी, पर माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। ध्यान से देखिए, कभी तो आई होगी यहाँ पर। साहब देखा होता तो क्यों मना करता? बीवी बच्चों की कसम खिलवा लो साहब, मगर मैंने इसको कभी नहीं देखा। नहीं साहब, इसे तो नहीं देखा साहब, एकदम सच्ची कह रहा हूँ साहब। नहीं साहब, मैंने इसको नहीं देखा। मालिक कौन है इस दुकान का? मेरा बेटा सज्जन। जी हाँ मैं साहब। क्या हुआ साहब? ये लड़की 2 दिन से गायब है, इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आए हैं। ये लड़की? हाँ साहब, आई तो थी हमारी दुकान पर, यही कोई 10-15 दिन पहले आई थी, एक ग्लास भी लेकर गई थी साहब। बड़ी बातूनी लड़की थी, अब शिल्पकला में अच्छी खासी रुचि थी उसकी, तरह तरह के सवाल कर रही थी हमसे हमारी कला के बारे में। अब साहब जितना हमको आता था हमने तो बता दिया, फिर उसके बाद हाथ जोड़ ले हमने। ध्यान से देखो इसे, एक बार फिर ध्यान से देखो, ये लड़की 2 दिन पहले तुम्हारी दुकान पर नहीं आई थी। मेरा मानना है कि मार्केट से घर जाने के बीच इस लड़की के साथ ये हादसा हुआ है। परसों? ना साहब, परसों तो ना आई थी, हम कह रहे ना 10-15 दिन पहले आई थी। दयाल एक काम करो। यस सर। इन सब की कुंडली निकालो, पता करो और कोई है जो इन क्ले में डील करता है, हमारी नजर से कैसे बच गया वो। राइट सर। पुलिस को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सांची उनसे बस कुछ मीटर दूर एक वेयरहाउस में कैद थी, लेकिन किसने उसे कैद किया था और वो अपने किस घिनौने मंसूबे को अंजाम दे रहा था, ये अब तक सिर्फ एक गुत्थी थी जो उलझती ही जा रही थी। वक्त बीतता जा रहा था, कोशिश अभी भी जारी थी, लेकिन धीरे धीरे सांची के मिलने की उम्मीद कम होती जा रही थी। एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं, नहीं देखा। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। भाई ये नई मुसीबत गले कहाँ से पड़ गई, वैसे ही धंधा डाउन पे है। ये बाप बेटी न जाने कहाँ से आ गए इस शहर में। ये पुलिस के राउंड, फैमिली से पूछताछ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन ताला लग जाएगा अपने धंधे पे, सारे कस्टमर इधर उधर कट रहे हैं। ऐसा तो नहीं होने दूंगा मैं, इन बाप बेटी की तो सुनिए। देखिए आपकी बेटी लापता हुई है, हमें अफसोस है, आपके साथ पूरी हमदर्दी है, पर भैया हमने कौन सी तुम्हारी भैंस खोली जो हमारे धंधे की ऐसी तैसी करने आ गए यहाँ तुम? जी
मैं कुछ समझा नहीं। अबे सुबह शाम ये पुलिस की पूछताछ, फैमिली वालों को भी परेशान कर रखा है इंक्वायरी कर करके। देख बहुत ज्यादा हो रहा है, अब है सबका धंधा चौपट हो रहा है यहाँ पे। बड़े बदतमीज हो आप, एक बाप जिसकी बेटी लापता हो चुकी है आप उससे इस तरह से बात कर रहे हैं। मेरी दीदी लापता हो चुकी है और आपको अपनी धंधे की पड़ी है। अरे दीदी तेरी लापता हुई है ना, हम क्यों भुगते हैं? तू और तेरा बाप चलाएंगे मेरे घर का खर्चा, या तेरी वो दीदी चलाएगी जो लापता हो गई है? पता नहीं लापता हुई है या किसी के साथ भाग गई है। ए मिस्टर, जुबान संभाल के बात कीजिए, समझे आप? ए चुप रहे, बढ़िया है मिस्टर वाली। देखो भाई साहब, जाहिर सी बात है कि सबकी वजह से बहुत नुकसान हुआ हम लोगों का, ये भी गलत नहीं है। अब इनकी जगह अपने आप को रखकर देखिए आप। अरे भाई जी, लेकिन मैं आपसे, तू को ज्यादा ही ताव खा रहा है। अरे इनकी जगह अपने आप को रखकर देख, जाने के साल में होगी इनकी बेटी। भाई साहब आपकी भी तो एक बेटी है, हमें समझने के लिए धन्यवाद। देखो भाई साहब, यहाँ माहौल बिगड़ रहा है, आप लोग जाओ यहाँ से। ये बात ठीक है कि ये लोग मुझे मानते हैं तो मैं थोड़ा बहुत तो संभाल सकता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, इसीलिए आप लोगों से विनती है कि आप लोग जाओ यहाँ से। चलो बेटा। पूरी छानबीन कर ली है सर, इम्पोर्टेड किले से शिल्पकारी करने वाले और कोई नहीं है शहर में। इसका मतलब यह है दयाल के अपराधी उन पांचों में से कोई एक है, एक तो कोई है जो झूठ बोल रहा है। आपको किस पे शक है सर? यकीन से कुछ नहीं कह सकता दयाल, लेकिन हाँ एक सनसनीखेज फैक्ट सामने आया है। मैं कुछ समझा नहीं सर। ये देखो, ये उन लड़कियों की तस्वीर है जो पिछले 2 सालों में अचानक गायब हो गई और उनका कोई पता नहीं चला। ये बात तुम्हारी और मेरी यहाँ पोस्टिंग होने के पहले की है। सबूत की कमी की वजह से केस चला, बंद हो गया, लेकिन कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। अचंभे की बात तो यह है कि ये सारे केस पॉटरी मार्केट के पास में हुए हैं। दयाल मुझे तो लगता है कि इस केस के तार उन पुरानी कड़ियों के साथ ही जुड़े हुए हैं। और अगर ऐसा है तो मुझे उस लड़की की चिंता हो रही है सर। परसों शाम कहाँ था तू? जी याद नहीं। अरे छोटू पॉटर उधर रखना। ए, सीधे सीधे बोलना कि बनाओ तेरा कुतुब मीनार। साहब मैं सीधे सीधे ही बोल रहा हूँ, आपको बोला ना मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में, कहो तो थाने आ जाऊँ, अभी धंधे का टाइम है। अरे छोटू अंदर रख ले यार। ठीक है, फिर तेरी थाने में रिमांड लेता हूँ मैं। देखो यार इसे कहीं देखा है? नहीं नहीं मैंने नहीं देखा इसको। ठीक से देखो, कहीं तो देखा होगा। अरे कब तक चलता रहेगा ये सब? आपका तो नाम है, जान पहचान है, कुछ करिए ना हम लोग, या फिर भूल गए हम सब? एक बेटी के बाप ही ये भी नहीं भूला। मतलब कुछ नहीं करेंगे आप? यही है साहब। उधर देखो, ऊपर देखो, ऊपर। अच्छा तो तू यहां बैठा है, चल तेरी करता हूं खातिरदारी। चल सर, ये रहा पकड़ा गया। कभी तो आई होगी ये लड़की यहां पर? नहीं साहब, नहीं देखा इसे हमने। साची कहाँ है? बोल साची कहाँ है? एक सांस में बता वरना तू सांस लेने लायक नहीं रहेगा। साची कहाँ है? जान ले लूं इनकी, मार डालूं इन दोनों को। साफ सोचा तो यही था मैंने। वजह?
साल भर पहले भी बीबी को जहर देने के जुर्म में अंदर गया था, तब 2 महीने की सजा हुई थी। साहब मैं बिल्कुल बेकसूर था उसमें, तब मेरा अच्छा खासा जमा जमाया सब धंधा चौपट हो गया था। और साहब जैसे तैसे मैं फिर से अपने धंधे को लाइन पर लेके आया तो ये दोनों बाप बेटी आ गए। साहब मैं बस इन दोनों को यहाँ से भगाना चाहता था किसी भी तरह। बाकी साची कौन है कैसी है मैं कुछ नहीं जानता साहब, और ना मैं जानना चाहता हूँ। सर ऐसे नहीं उगलेगा ये। गुलबाज से इंस्पेक्टर साहब बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया मैंने आप लोगों का भरोसा। अभी भी इतनी ताकत है मुझ में कि मैं अपनी बेटी को खुद ढूंढ सकूं। नहीं चाहिए आपकी मदद मुझे, मैं खुद ढूंढ लूंगा अपनी बेटी को। चल बेटा। एक उम्मीद की किरण जो बड़ी मुश्किल से जागी थी अब तो वो भी बुझ गई थी। ए, चलो 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 बाहर निकलो, बंद करो इसे, चलो। कैलाश अपनी बेटी साची को खुर्जा की गलियों में ढूंढने का भरपूर प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी। वो मायूस हो रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। अरे भैया भैया रुको, भैया इस एड्रेस पे ले चलो। अच्छा यहाँ। तुझे पता है पूरे मार्केट में सिर्फ एक शॉप पर एक ही पीस अवेलेबल था। इसका मतलब दीदी ने इसी दुकान से ये पॉटरी खरीदी थी। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? आई मीन सज्जन जी, उन्हें बुलाया, मुझे उनसे कुछ अर्जेंट काम है। वो तो घर पे हैं। सज्जन जी है? क्या काम है सज्जन से? दुकान पे जाओ। दीदी का और इतनी लड़कियों का फोटो यहाँ पर? समझ में नहीं आया क्या कहा? दुकान पे जाओ। हाँ बेटा। पापा साची दीदी के किडनैपर के बारे में पता चल गया है। अच्छा कहाँ? आप एक काम करिए, आप पॉटरी मार्केट आ जाइए जल्दी से। मंजू मंजू रुको रुको रुको, चलो चलो। फोन भी नहीं लग रहा है, न जाने कहाँ होगी। नहीं रोक दो भाई। ओ बाबूजी किराया तो दे दो। हाँ। क्या बात है बाबूजी, बड़े परेशान लग रहे हो। ये फोटो किसकी है? ये मेरी बेटी की फोटो है।
कई दिनों से लापता है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और अब तो छोटी बेटी भी न जाने कहाँ चली गई है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बाबूजी, इसे मैंने देखा है। क्या क्या बोला? मैंने देखा साहब, उस दिन एक आदमी लड़की को गाड़ी में डाल रहा था। ए, लड़की को कहाँ ले जा रहा है? उसने मेरे सिर पे कुछ हथियार जैसा मार दिया था सर, और मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। तो तूने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अब साहब आप बताएं, रोजी कमाएं या फिर मुसीबत कमाएं? आज ये बाबूजी मिले साहब, इनका तो हम पे देखा नहीं गया साहब, हमने सोचा आज मुसीबत ही कमा लेते हैं। ये तस्वीर देख, बता इनमें से कौन है। ये है इनमें से, ध्यान से देख, पहचानता है? नहीं सर, उस दिन धुंधला सा ही देखा था सर, इनमें से कोई है मैं कह नहीं सकता साहब। ठीक है, सो सकते, ध्यान से इसे देख। डर गया ना? नहीं साहब, नहीं डरा मैं। हाँ, मुझे उसकी एक बात याद है साहब, उसके बाएं हाथ पे सफेद निशान था साहब। आज ही डॉक्टर बदलो इसका, आज जुकाम है कल बुखार हो जाएगा। तो मिल गया दयाल। यस सर। एकदम अपनी बहन की तरह प्यारी मासूम। मेरी दीदी कहाँ है बताओ? ठीक है, जहाँ है सुखी है, बस मेरे साथ जो रहता है सुखी रहता है। कहाँ है वो बताओ ना, कहाँ है? अच्छी लगती थी साची, एकदम प्यारी, भोली, मासूम, खूबसूरत और जवान। प्यारी थी एकदम तुम्हारी तरह, लेकिन वो छोड़कर जाना चाहती थी मुझे, सब छोड़कर जाना चाहता है मुझे, सब छोड़ देते हैं मुझे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्या कहा, फिर से कहो। तुम्हारे तुम्हारे साथ ही रहूंगी, पर एक काम करना होगा उसके लिए, मुझे मेरी बहन से मिलवा दो सिर्फ एक बार, प्लीज। फिर तुम जो कहोगे ना मैं वैसे ही करूंगी। हाँ हाँ। इसी मासूमियत पे तो जान देने को दिल करता है। नहीं साहब, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता साहब। ऐसा कुछ भी हो सकता है, आपके बेटे को देखते ही गोली मारने का आदेश है, जानती हैं आप? उसे गोली मत मारना साहब, मैं मर जाऊंगी साहब। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ साहब, उसे माफ कर दो साहब, उसे माफ कर दो साहब। तू जैसे तो कभी मिली नहीं। हाँ, मिलेगी भी कैसे? अब तुम क्या? मुझे मेरी दीदी के बारे में कुछ तो बताओ। दीदी 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 दीदी, अरे मैं तुझे पलकों पर बिठाए रखने की बात कर रहा हूँ, और तू है कि दीदी 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 की रट लगा रखी, छोड़कर चली गई है मुझे, इतना प्यार करने के बाद भी आजाद कर दिया, से उड़ गई। लेकिन तुझे तो मैं हीरे की तरह संजो कर रखूंगा अपने पास। तुमने मेरी बहन को? अरे कुछ नहीं किया, जिद्दी थी वो। अब तुम जिद मत करो। हाँ? मुझे धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, धोखा दिया मुझे, मुझे धोखा दिया तूने, मुझे धोखा दिया।
अपनी बहन के पास जाना चाहती थी ना तू? मार दूंगा मैं तुझे। रुक रुक रुक, पकड़ पकड़। चलो चलो चलो, सब ठीक होगा, चल रो मत। चलिए अच्छा बैठो। मेरी बेटी कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तूने उसके साथ? अरे कहाँ है वो बता। खुश है, सुखी है, जहाँ भी है। कैलाश जी मेरी बात सुनिए, प्लीज आप बाहर जाइए, प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए, प्लीज जाइए। शादी के बाद अपनी बीवी से सुख ना मिला हमको, तो जवान जवान लड़कियों में खूबसूरती ढूंढने लगा। अगर प्यार से मानती तो ठीक था, नहीं तो? तो क्या करता था उनके साथ? तो मार देता था। काम का बोझ बन जाती, यही उनको खूबसूरत बनाता था और यही उनके वजूद को मिटा देता था। जाओ जाओ ढूंढो अपनी साची को, देखो यही कहीं होगी। जाओ आओ ढूंढो, आओ साहब ढूंढो, ढूंढो साहब आओ ढूंढो, होगी इसी राख में कहीं तुम्हारी साची। जाओ देख क्या लाया मैं तेरे लिए। थैंक यू पापा। मेरा बच्चा साची। सज्जन जैसा शातिर सीरियल किलर कैलाश गुप्ता की मदद, पुलिस की कड़ी छानबीन और मंजू के साहस की बदौलत पुलिस की गिरफ्त में है। उसने जिस घिनौने और शर्मनाक गुनाह को अंजाम दिया था उसे जानकर हर कोई दंग रह गया। ऐसे दरिंदों के लिए सख्त से सख्त सजा भी कम है। सज्जन पर 7 लड़कियों के वहशियाना कत्ल का मुकदमा चला और दफा 302 के तहत उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मनोवैज्ञानिकों के सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में आज तक जितने भी सीरियल किलर्स पकड़े गए हैं उनमें से 90% से भी ज्यादा लोग मानसिक तौर पर विकृत थे। लेकिन मानसिक तौर पर बीमार होने का मतलब ये नहीं कि उनके गुनाह को माफ कर दिया जाएगा। सज्जन भी एक ऐसी ही विकृत मानसिकता का आदमी था जो साफ तौर पर समाज के लिए एक जीता जागता खतरा था। गलती उसकी माँ की थी जो उसकी बीमारी के बारे में जानती थी लेकिन कभी इलाज नहीं करवाया और ना ही शर्म के बारे में किसी को बताया। नतीजा, सांची जैसी 7 लड़कियां उसकी वहशत का शिकार बनी। हमारे समाज में किसी भी मानसिक रोगी को शर्मनाक माना जाता है और शायद यही वजह है कि आज भी लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं। लेकिन सच तो ये है कि अगर समय रहते इलाज कराया जाए तो इसके शिकार व्यक्ति के साथ साथ कईयों के जीवन को तबाह होने से बचाया जा सकता है। लिहाजा इसे छुपाने की कोशिश में सज्जन जैसे लोगों की विकृति बढ़ते बढ़ते आपराधिक प्रवृत्ति यानी कि क्रिमिनल टेंडेंसी में बदल जाती है और ये लोग शिकार की तलाश में समाज में खुले घूमते हैं। इसीलिए समाज और परिवार की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों के लक्षण पर बारीकी से गौर करें और वक्त रहते उनका इलाज करवाएं। सावधानी बरते इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान।